वेलकम एवरी वन वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अकेडमी लेट्स क्रैक टूगेदर यू पी एस सी सिविल सर्विसज एग्जाम स्पेशली द जी एस पोर्शन विद मी यशवंत सिंह एंड फर्स्ट टाइम गोइंग टू टेल यू गाइज दैट वाई द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अन अकेडमी इज रिक्वायर्ड तो एम आई ऑडिबल टू यू ऑडिबल एंड विजिबल प्लीज़ इसको कन्फर्म कीजिए कि क्या मैं आप मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है गाइज प्लीज अपडेट कि यू गाइज आर एबल टू लिसन मे ओके कुमार राकेश हेलो गुड इवनिंग ओके तो गाइज चलिए हम इसको शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि सब्सक्रिप्शन क्यों लेना है राइट देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट द डेली लाइव क्लासेज यज प्रनाव वेलकम ओके निताशा पांडा नमस्ते वेलकम लेट्स स्टार्ट द क्लास प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी आकर के यहाँ से जुट जाएं शुभम मिश्रा वेलकम वेरी नाइस एवरीबडी इज़ ज्वाइनिंग अप प्रजापति साहब हेलो गुड इवनिंग नितशा पांडा गुड इवनिंग परशुराम यादव गुड इवनिंग एवरी गुड इवनिंग तो चलिए हम इसका पिचिंग पहले देते हैं उसके बाद से फिर हम लोग कोर्स पे आते हैं फटाफट इसको आप लोग शेयर कर दीजिए परशुराम यादव चलिए तो डेली लाइव क्लासेस होती है जहां पे आप अपने एजुकेटर से चैट कर पाते हैं उनके साथ डिस्कशन कर पाते हैं जो भी डाउट्स है उसको पूछ पाते हैं पहली बात दूसरी बात होती है कि जो भी आपका प्रिपरेशन है वो उसको आप इवेलुएट कर पाते हैं नवीन कुमार वेलकम एंड गुड इवनिंग शुभम मिश्रा गुड इवनिंग ओके चलिए फिर आपको आपकी प्रिपरेशन कहा तक पहुंची है उसको आप इवेलुएट कर पाते हैं देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलती हैं सभी कोर्सेज बिल्कुल ही सिलेबस के हिसाब से मिलती है दिलीप वेलकम सुरेश यादव साहब हेलो अंकिता ठाकुर गुड इवनिंग वेलकम ओके प्लस ज्योति बोरा गुड इवनिंग देखिए पूरे सिलेबस के हिसाब से आपको सारी कोर्सेज यहाँ पे मिलती हैं बिल्कुल ही हम आपको ऑफ ट्रैक नहीं होने देते हैं दिलीप साहब वेलकम गुड इवनिंग ठीक है अनलिमिटेड एक्सेस होता है आपको जितने भी रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस सबका नीरज साहू वेलकम राइट अब देखिए यहाँ पे आप, आपको हंड्रेड प्लस एजुकेटर्स टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं सुदर्शन गुजर मुनाल पटेल मेहता गौरव वेलकम जय हिंद प्रकाश कुमार मुदित गुप्ता रोमन शैनी आयुष संगी अमन शर्मा दीपांशु सिंह और आशीष मलिक राम राम परशुराम यादव साहब शिवम एजुकेशन ग्रुप वेलकम ओके मेहता गौरव जय हिंद जय हिंद निताशा पांडा इंडियन डांस फॉर्म की पी डी एफ मैंने नहीं दिया है लेकिन आज दे दूंगा मैं लेट इन नाइट आई विल अपडेट थोड़े से पेजेस और रह गए काफी लंबी फाइल थी ना मैराथन सेशन था मैं अभी इसको आज दे दूंगा जीना चौहान गुड इवनिंग ब्यूटी राय गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग चलिए मेरे बारे में मैं यशवंत सिंह मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश मेरी क्वालिफिकेशन है एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आई विल नॉट टेल यू बिकॉज इट्स ऑफिशियल कंप्लीटली एंड आई विल हेल्प यू क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मैं गारंटी लेता हूं एटलीस्ट आपकी हिस्ट्री पोर्शन में कहीं नहीं जाएगा इसलिए मैंने आर्ट एंड कल्चर जो कि अधिकतर हिस्ट्री वाले लोग छोड़ देते हैं उससे मैंने आपको यहां पे शुरुआत की है इंडियन आर्ट एंड बेस्ट बुक क्या है बेस्ट बुक है हमारी स्पेक्ट्रम की मैं आपको वो बुक भी दिखा देता हूँ यहाँ पे बुक है आपकी आर्ट एंड कल्चर के लिए बेस्ट है उसके अलावा जो सी वाला हिस्सा होता है वो भी आपको आप उसको पढ़ सकते हैं चलिए फिर हम बात कर रहे हैं कि यह है मेरी टेलीग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है इसको फटाफट -फड़ आप लोग ज्वाइन कर लें ज्वाइन करने से क्या होगा कि जो भी पीडीएफ हम पढ़ाते हैं वहां पर उसको शेयर कर दिया करेंगे ब्यूटी राय वेलकम थैंक यू अब देखिए यहां पे कंप्रीहेंसिव सिलेबस है फिफ्टीन प्लस कोर्सेज आपको यहां पे मिल जाते हैं यूपीएससी सी की डिस्कस uh, एवरीथिंग राम राम पॉलिटी गवर्नेंस एंड आई आर की थ्री थर्टी कोर्सेज हिस्ट्री थ्री ट्वेंटी थ्री कोर्सेज करंट अफेयर टू एटी सेवन कोर्सेज जोग्राफी टू सेवेंटी टू कोर्स तो इतनी सारी आपको ऑप्शनल कोर्सेस भी हैं इंडियन इकोनॉमी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी प्रैक्टिस एंड स्ट्रैटेजी एनसीआर समरी आर्ट एंड कल्चर एटी वन कोर्सेज आंसर आई टी जो है वो सिक्सटी वन कोर्स राठौर साहब गुड इवनिंग स्पेक्ट्रम ही क्यों क्योंकि स्पेक्ट्रम में यूजली जो हम पढ़ा रहे हैं ना जो आपके सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल सारी चीजें वहां पे मतलब डाली गई है आप बिल्कुल ऑफ ट्रैक नहीं होते हैं इधर उधर की चीजें आप नहीं पढ़ते हैं तो एक तो स्पेक्ट्रम हो गई उसके अलावा जो एनसीआर है एनसीआरटी के अलावा जो गवर्नमेंट की जो साइट है सी वाली वहां से भी हमने यहां पे लेकर के रखा है तो इन सबको जब एक साथ मिक्स करके जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा सत्यम कुमार हाय गुड इवनिंग धर्मेंद्र सिंह नमस्ते तो अब हम बात करेंगे देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन आईकनिक सब्सक्रिप्शन की ये पिचिंग है एंड इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मी फॉर मी टू कवर दिस इसलिए मैं आपको बता रहा हूं देखिए गूगल प्ले पे आप जो है अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए वहां पे आप प्लस या आईकनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसमें क्या होता है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं स्ट्रक्चर कोर्सेस होते हैं और पीडीएफ या लाइव मॉक टेस्ट एंड क्विजिस में आप भाग ले सकते हैं मेगा की दुनिया वेलकम वेलकम आई होप कि आप ये डिस्कस एवरीथिंग आप ही हैं ओके okay. हम यहां पे बात करेंगे कोड है आर वाई एस टेन आर वाई एस टेन का यूज कीजिएगा और आपको अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, तो उसको आपको उस पर आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाता है आइकनिक में क्या है आइकनिक में थोड़ी चीजें और बेहतर हो जाती है इसमें क्या क्या आपको वन टू वन गाइडेंस मिलता है और रेगुलर मेन क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आप कर पाते हैं और यहाँ पे स्टडी ट्रैकर प्लान होता है स्टडी बूस्टर सेशन होते हैं और लाइव क्लासेस तो ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं देखिए ट्वेल्व मंथ्स का सेवेंटी फोर फाइव हंड्रेड का है ट्वेल्व मंथ्स का अगर मेरा आर वाई एस इस, टेन इस, कोड इस्तेमाल करते हैं तो सिक्सटी सेवन जीरो फाइव जीरो का ये मिल जाएगा ब्यूटी रहा है बफर हो रहा है ओके अब प्लीज राजवंत आप कन्फर्म करेंगे क्या बफर हो रहा है प्रवीण कुमार जाट uh, हाँ मैं डेली पढ़ाता हूँ बफरिंग ओके लेट मी चेक गाइड एक बार मुझे चेक करने दीजिए बफरिंग बफरिंग ओके जस्ट प्लीज वेट मैं इसको अभी सही कर देता हूं क्या अभी भी बफरिंग आ रही है ओके बताएं गाइज कि क्या अभी भी बफरिंग आ रही है ऑल ओके ठीक है चलिए फाइन ठीक है सिक्स मंथ बैच कोर्सेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं हमारे यूपीएससी सीएससी के लिए बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश तीनों में ही है फटाफट एडमिशन लीजिए एटीन फरवरी से ये फिर से आप, आपके लिए स्पेशली रिशेड्यूल की गई है मिनट ठीक है ये आपके लिए फिर से इनको रिशेड्यूल किया गया है और यहां पे मैं बता रहा हूं कि यूपीएससी सीएससी के लिए फिर से जो है जो 22 टू के लिए अगर आप लेते हैं तो एटीन फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुकी है हिंदी इंग्लिश तीनों में ही है क्लियर है ओके वेरी नाइस कंप्लीट टू ईय जीएस बैच कोर्स जो यूपीएससी सी एस के लिए वो भी स्टार्ट हो चुकी है एटीन फरवरी से सारी है फटाफट -फड़ कल भर का टाइम है आप एडमिशन ले लीजिए तीनों में ही आप ले सकते हैं एनसीआर बैच कोर्स जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है बाइलिंग्वल हिंदी इंग्लिश तीनों में ही आपको ये मिल जाएगा अकेडमी का जो ऑप्शनल और आइकनिक का कोर्स है जीएस का वो आप अगर आप लेते हैं ट्वेल्व मंथ्स का एटी एट सेवन जीरो फाइव का और दोनों ही ऑप्शन लेते हैं तो सेवेंटी वन जीरो थ्री का है ट्वेंटी फोर का वन थर्टी वन फाइव जीरो का है और अगर दोनों ही ऑप्शन लेते हैं तो 99680 नाइन सिक्स एट जीरो का है थर्टी सिक्स मंथ का वन सिक्सटी सेवन ट्वेंटी का है वन ट्वेंटी ओके क्लियर है चलिए बहुत नहीं नहीं बस अभी शुरू करूंगा मैं अन अकेडमी कॉम्बैट एटीन ट्वेंटी एट फरवरी को इलेवन एम फोर्टी फाइव मिनट्स सिक्सटी क्वेश्चन होती है रिलेटिव स्कोरिंग होगी फटाफट एडमिशन ले लीजिए वन टू थ्री अगर आप उसमें आते हैं तो आपको अपने जितना चाहेंगे मैक्सिमम ट्वेंटी फोर मंथस के लिए यूपीएससी सी एस सी का जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है फोर टू टेन में मतलब मैक्सिमम चौबीस मंथ का और सेवेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट पे और इलेवन टू फिफ्टी के लिए फिफ्टी परसेंट ऑफ आपको मिलता है मैक्सिमम ट्वेंटी फोर मंथ्स के लिए फिफ्टी वन टू फाइव हंड्रेड में ट्वेंटी फोर मंथ का मिलता है अब हम बात करते हैं ओके परशुराम यादव चलिए आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड कल्चर में जो लेसन वन हम काफी चीजें इसमें पढ़ चुके हैं आर्ट एंड कल्चर में हम ऑलरेडी क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं लेट लेटस रिमाइंड एंड वंस प्रिल्यूड पूरा का पूरा स्कल्पचर हम पढ़ चुके हैं स्कल्पचर को पढ़ चुके हैं आपको वीडियोज मिल जाएंगी उसको चेक कीजिए स्कल्पचर पढ़ चुके हैं आर्किटेक्चर पढ़ चुके हैं और पूरी की पूरी पेंटिंग पढ़ चुके हैं इसी यूपीएससी पे और सारा का सारा डांस फॉर्म पढ़ चुके हैं और आज हम इंडियन हैंडीक्राफ्ट पढ़ेंगे कल भी हम इंडियन हैंडीक्राफ्ट पढ़ेंगे और फ्राइडे को फ्राइडे को पूरा एक मैराथन सेशन होगा उसमें पूरी की पूरी इंडियन म्यूजिक खत्म हो जाएगी तो आर्ट एंड कल्चर में हम बहुत ज्यादा समय जो है मतलब बिल्कुल पूरा एक एक चीज खत्म करके फिर आगे हिस्ट्री की तरफ चलेंगे अब ब्यूटी राय पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम आईडी मिल जाएगा वहां से आप को मिल जाएगा देखिए जब हम बात करते हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट की सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन हैंडीक्राफ्ट परशुराम यादव अब, अब शुरू करते हैं देखिए पढ़ाई ही है ठीक है इंडियन हैंडीक्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉट इज इंडियन हैंडीक्राफ्ट जब हम हैंडीक्राफ्ट कहते हैं तो उससे आप क्या समझते हैं देखिए इसमें दो चीजें हैं एक तो आ रहा है हैंडी राइट right? एक आ रहा है हैंडी दूसरा क्राफ्ट तो ऐसा कोई भी वर्क ऐसा कोई भी क्राफ्ट आर्ट जिसको हाथों के द्वारा कंप्लीटली हाथों के द्वारा बनाया जाए उसको हम कहते हैं हैंडीक्राफ्ट सत्यम दे दूंगा ऑलरेडी आपको मिल जाएगा आज मैं उसको अपडेट कर दूंगा ठीक है तो हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज हैं क्या होता है कि कई सारी चीजों को जो आप बिल्कुल से बनाते हैं जैसे साड़ी का बनाना चूड़ियों का बनाना ग्लास की दूसरी चीजों का बनाना हाथी दांत के ऊपर कोई चीज बनाना उसके अलावा साड़ी साल कई तरह की पेंटिंग्स को करना कपड़े के ऊपर तो ये सारी चीजें हमारी हैंडीक्राफ्ट में आती हैं। अब देखिए वेरियस हैंडीक्राफ्ट थ्रू आउट इंडिया भारत में हम शुरुआती दौर से देखते आ रहे हैं कि जब अंग्रेज यहां पे आए तो भारत की जो अपने हस्तशिल्प थे वो पूरे विश्व स्तर पे प्रसिद्ध थे कहा जाता है कि यहां पे जो रेशम की साड़ी होती थी या पूरा का पूरा थान जो है एक इतनी छोटी सी अंगूठी से उसको खींच दो तो वो बाहर निकल जाता था इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि यहाँ का हैंडीक्राफ्ट कितना अच्छा हुआ करता था अंग्रेजों ने देखा कि भाई ये जो है हमारे मार्केट को डाउन कर देगा और अंग्रेज या कोई भी जो कॉलोनीज बनाने के लिए आए थे वो इसलिए आए थे क्योंकि वहां पे कपड़ों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था आ, विकी गुड मॉर्निंग योगेंद्र प्रताप वेलकम ठीक है रेगुलर क्लास होती है सेवन टू नाइन लब्या ठीक है नहीं कोई भी लेट नहीं है गुड इवनिंग माधुरी तो हम क्या बात बोल रहे हैं कि शुरुआती दौर में पूरा जो सिल्क का थान है एक अंगूठी से निकल जाता था तो आप सोच सकते हैं कि यहां की जो कला थी कितनी बेहतर थी तो अंग्रेजों ने क्या किया चूंकि वो वहां पे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज बनी थी और उसके बाद इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था कि उस प्रोडक्शन को बेचने के लिए लोगों को कॉलोनीज चाहिए थी वहां से कच्चा माल भी चाहिए था तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीय जो शिल्प है उसको बहुत डिसुएट किया उसको चाहा कि वो धीरे 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 खत्म हो जाए कहा जाता है कि कुछ कारीगरों के हाथ कटवा दिए जाते थे कि यहां की जो चीजें हैं वो खत्म हो जाए या फिर जो यहां की लोकल चीजें थी हस्तशिल्प थी उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए जाते थे तो अब हम पढ़ेंगे उन्हीं भारतीय हस्तशिल्पों के बारे में जो बहुत ही विश्व प्रमुख थे विश्व स्तरीय पहचान थी उनकी एक एक करके हम जानेंगे हाँ मार्केट चाहिए था इसलिए वो यहां पे आए थे अब जब यहां के हस्तशिल्प यहां पे फेमस रहेंगे तो उनके सामान को कौन खरीदेगा तो उन्होंने यहां के हस्तशिल्प को डिसुएड किया गुड इवनिंग भरतराज सिंघानिया हिंदी में देखिए हस्तकला क्या होती है विभिन्न कार्यों को चाहे वो कलात्मक कार्य हो उपयोगी और सजावटी वस्तुओं के लिए जिस भी चीज का निर्माण हाथ से किया जाए उसको हम हस्तशिल्प कहते हैं पूरे भारत में विभिन्न कलात्मक विशेषता वाले विभिन्न हस्तशिल्प विकसित किए जाते थे अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से हस्तशिल्प होते थे सबसे पहली बात होगी ग्लासवेयर की ग्लासवेयर का मतलब होता है देखिए यहां पे ग्लास से बने हुए, हुए आइटम्स की आप देखेंगे कि जो कांच से बने हुए आइटम्स की अगर हम बात कर रहे हैं विनोद कुमार प्रजापति नमस्कार तो कांच से आइटम के बने हुए अगर चीजों की हम बात कर रहे हैं तो इसका जो डेवलपमेंट है हमको पूरे एंसियंट भारत में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में हमको देखने को मिलता है और ऐसा माना जाता है कि यह जो पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर था धूसर रंग से पेंट किए हुए जो बर्तन होते थे मृदभांड होते थे तो वहां से इसका रूट मिलता है कांच का अब ध्यान दीजिए कांच किस चीज से बनती है कांच जो होती है मैक्सिमम जो होता है उसमें सिलिका होता है एंड सिलिका क्या है सिलिका आपको बालू में ही मिलती है ओके थैंक्स इंद्रेश कुमार शिवदीप मौर्य वेलकम तो हम क्या बता रहे हैं कि गंगा वैली में हम देखते हैं कि हमको पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर मिलता है कब का है कमेंट करके बताइए चित्रित धूसर मृदभांड और उनके ऊपर एक स्पेशल पेंटिंग की जाती थी जो कि बिल्कुल उनको कठोर बना देती थी चमकीला बना देती थी तो हम इसका रूट जो है कांच का प्राचीन भारत में हमको देखने को मिलता है आप जानते हैं कि कोई भी कांच कोई भी शीशा उसमें सबसे ज्यादा मात्रा सिलिका की होती है और ये जो सिलिका है किसमें मिलता है बालू में ही मिलता है कांच को अगर हम साइंटिफिकली देखें आप में से कई सारे लोग इंजीनियर होंगे वो ये जानते होंगे कि कांच जो है एक क्या है एक लिक्विड है इट्स लिक्विड कांच जो है एक लिक्विड है मतलब उसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है जैसे ही आप उसको गर्म करते हैं तो बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है तो वो क्या है कूल्ड लिक्विड है कांच ओके okay. तो हम देख रहे हैं कि द वर्ड कांच वॉज यूज इन सतपथ ब्राह्मण जो हमारे यहां पर ब्राह्मण है सतपथ ब्राह्मण उसमें कांच शब्द का प्रयोग हुआ है कमेंट करके बताइए ब्राह्मण क्या होते हैं मैंने जो अनकेडमी पे दस बजे से हमारी क्लास होती है वहां पे हमने ऑलरेडी बताया है जब इतिहास के स्रोत में साहित्यों के बारे में जान रहे थे तो मैंने वेदों के साथ ब्राह्मणों का जिक्र किया था आप में से कोई बताइए इज दिस ब्राह्मण ओके गाइज मैं आपको बताता हूं ब्राह्मण क्या होते हैं ब्राह्मण का मतलब सभी लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि जो हमारे वैदिक धर्म में या हिंदू धर्म में एक जाति है ये राइट right? हाँ चकनाचूर हो जाता है कांच बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है ठीक है तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि सतपत ब्राह्मण कहने का मतलब क्या है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्राह्मण ब्राह्मण जो होते थे हमारे पास चार वेद हैं ये किसी जाति विशेष की मैं बात नहीं बोल रहा हूं कि जो पंडित हैं वो ब्राह्मण हैं मैं ये कह रहा हूं कि चार वेद जो थे जैसे हमारा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद इनको और ज्यादा समझाने के लिए इन वेदों का सार देने के लिए हर एक वेद का अपना एक उसका एक्सप्लेनेशन है एक उसकी व्याख्या है और उस व्याख्या को हम ब्राह्मण कहते हैं ओके okay. ठीक है नहीं मेघा जो पढ़ने लिखने वाले थे वो ब्राह्मण जाति हो गई हम यहां पे बात कर रहे हैं कि जो वेद थे वेदों की व्याख्या देने के लिए यह भी एक प्रकार का साहित्य था जो हरेक वेदों के साथ एक या दो या एक से ज्यादा हुआ करता था ठीक है तो हम यहां पे बता रहे हैं कि सतपथ ब्राह्मण एक प्रकार का साहित्य है जो कि वेदों की व्याख्यान करता है उसकी व्याख्या करता है यह एक बुक है साहित्य है शिवदीप मौर्य पुरोहित नहीं मैं बार बार बता रहा हूं साहित्य है एक प्रकार का आप अगर मेरी बात समझ गए नहीं समझे तो बताइए मैं और अच्छे से समझाऊंगा सुपर कोल्ड लिक्विड बहुत ही प्रसिन्न बहुत अच्छा पुरोहित मैं कास्ट की नहीं बात कर रहा हूं मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं चार वेद हैं चारों वेदों के अंत में उनको समझाने के लिए इन्हीं वेदों को समझाने के लिए एक और बुक टाइप की चीज है एक किताब है जिनको कि हम ब्राह्मण कहते हैं इन ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज्यादा है ये किताब है ये जाति वाले ब्राह्मण पंडितों की बात मैं नहीं कर रहा तो उसी उन्हीं किताबों में से एक शतपथ ब्राह्मण है ओके सत्यम कुमार समझ गए बहुत ही अच्छा शिवदीप मौर्य आप लिखिए कि आप समझ गए हैं हाँ ठीक है सत्यम आप बिल्कुल इस बात को समझ गए तो शतपथ ब्राह्मण में कांच शब्द का प्रयोग हमको देखने को मिलता है राइट हम देखेंगे कि कुछ एविडेंसेज जो कांच के हैं वो हमको भारत के कई जगहों से मिलते हैं जैसे महाराष्ट्र में ब्रह्मपुरी या कोल्हापुर है मस्की है राजस्थान में अहर है ईरान और उज्जैन है हस्तिनापुर और अचित्र है तो ये सारी जगहें हैं जहां से हमें कांच के साक्ष्य मिलते हैं जब वहां की खुदाई हुई है तो हमें कांच मिले हैं कांच सीसा मिला है और अब हम बात करेंगे कि अगर समकालीन समय में अभी का अगर हम एग्जाम्पल दें तो कांच की जो सबसे बेहतर चीजें मिलती हैं वो हैदराबाद में चूड़ी का जोड़ा ये अलग अलग है चूड़ी का जोड़ा विवाहित औरतों का जब विवाह हो जाता है तो आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में जब वो जाती हैं तो पूरे यहां से लेकर के यहां तक जोड़ा पहनती हैं उसमें कुछ बड़ी चूड़ियां होती हैं जो लाह के कंगन वगैरह होते हैं उसके बीच में उनको जोड़ा कहा जाता है बीच में शीशे की चूड़ियां होती हैं तो ये जो ग्लास बेंजल्स हैं जो कांच की चूड़ियां हैं चूड़ी के जोड़े हैं वो हैदराबाद के फेमस हैं दीपक शर्मा प्रणाम चालू ओके चलिए सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं अब हम बात करेंगे इसको आगे ले चलते हुए ग्लासवेयर की अगर हम बा, बात बात बोले तो ग्लासवेयर का मतलब हुआ कांच के बने पदार्थ फिरोजाबाद आगरा से कुछ किलोमीटर पहले लगभग सत्तर या अस्सी किलोमीटर पहले फिरोजाबाद पड़ता है वहां पे कांच के जो चंडेलियर्स होते थे वो काफी फेमस हैं कांच की चूड़िया भी आपको फिरोजाबाद की काफी फेमस है क्या होते थे झूमर झूमर मतलब झुमके नहीं आप बड़े बड़े राजमहल या पुराने टाइप के होटल्स में जाएंगे अगर राजस्थान वगैरह में तो देखेंगे कि छत से लटकता हुआ बड़ा बड़ा झूमर जो है नीचे तक लटकता था कांच का उनको हम झूमर कहते थे हाँ कांच फेमस है योगेंद्र प्रताप ठीक है तो ये फिरोजाबाद का फेमस है वैसे ही सहारनपुर है सहारनपुर बरेली से थोड़ा आगे जाते हैं वहां पे सहारनपुर सहारनपुर में लकड़ी की जो न... लकड़ी की चीज है वो भी फेमस है और साथ ही पंचकोरा जो कि इसी कांच से बने हुए खिलौने वो भी फेमस थे हाँ प्रशीन नकेल उनको चंडीलियर या झूमर कहते थे बहुत ही अच्छा फिर हम बात करेंगे टिकुली आर्ट बिहार में संथाल ट्राइब है संथाल ट्राइब कई जगहों पे है संथाल जो जनजाति के लोग हैं वो आपको बंगाल में मिल जाएंगे कुछ उड़ीसा में मिल जाएंगे आपके यहां पे झारखंड में मिल जाएंगे फिर बिहार में मिल जाएंगे तो जो संथाल संथालों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे हम जानेंगे कि संथाल जो थे अंग्रेजों का उन्होंने काफी विरोध किया था ठीक है संथाल परगना भी है जो कि हमारे झारखंड झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है तो वैसे ही जो बिहार के संथाली लोग हैं उनका एक टिकुली कला है जिसमें सचावटी कांच के मनके कांच के मनके काफी फेमस हैं चलिए पटना के पास के संथाल ट्राइब के लोग ओके आजकल अपना बिहार में झूमर का इस्तेमाल शादी में भी करते हैं बिल्कुल शादियों में करते हैं हां संथाल विद्रोह हम पढ़ेंगे ठीक है तो उन्हीं संताल विद्रोह वाले संथाल जनजातियों से संबंधित था टिकुली आर्ट या टिकुली की कला उसमें उसके मन के होते थे कांच के वो फेमस थे जादौन साहब ठीक है अब हम बात करेंगे झुंझुनू से प्रणाम ओके जितेश कुमार नमस्कार प्रणाम आपको भी फिर हम बात करेंगे क्लॉथ हैंडीक्राफ्ट की क्लॉथ हैंडीक्राफ्ट मतलब कि कपड़े पर बने हुए या कपड़े पर इस्तेमाल किए गए हस्तशिल्प अब हम देखते हैं कि भारत में कपड़े के ऊपर बहुत ही ज्यादा हस्तशिल्प बने हैं शुरुआती दौर से और इसको अगर हम देखें तो उसका एक बहुत लंबा इतिहास है और कपड़ा हस्तशिल्प की अगर हम बात करते हैं तो उसके ऊपर तीन विभिन्न विभिन्न प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था ये तकनीकें कौन कौन सी हैं एक एक करके हम जानेंगे ओके अजीत बहुत खुशी की बात है कि आप संथाल हैं एटलीस्ट जो है आप अपनी हिस्ट्री से बहुत खुश होंगे संथालों के बारे में अगर हम पढ़े तो तो आप लोगों में काफी फेमस है ये टिकुली आर्ट कमेंट करके बताइए कि कैसी होती है क्योंकि यू हैव गॉट द फर्स्ट एक्सपीरियंस अजीत हम क्या बोल रहे हैं कि क्लॉथ के जो हैंडीक्राफ्ट हैं उसमें टाई एंड डाई टाई एंड डाई जो है मैं अभी आपको बताऊंगा बंधनी या बंधेज भी इसको कहते हैं तो बंधनी और बंधेज की तो जो तकनीक है टाई एंड डाई की ठीक है टाई मतलब बांधना डाई मतलब रंग देना टाई मतलब बांधना और डाई का मतलब रंग देना तो किसी जो है कपड़े को बीच बीच में बांध के मोम से सने हुए धागों से बांध के उसके बाद उनको रंगों में शराबोर कर दिया जाता था रंगों में डाल दिया जाता था तो जितने दूर तक वो धागे बंधे होते थे उतने दूर पे पेंट नहीं चढ़ेगा कलर नहीं चढ़ेगा तो इस तकनीक को हम टाई एंड डाई तकनीक कहते थे ओके अजीत कौन सी सेंचुरी अच्छा काल की यहां पे हम बात कर रहे हैं टाई एंड डाई हम क्लॉथ हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहे हैं हां बिल्कुल ही पीडीएफ मिलेगा इस क्लास के तुरंत ही बाद मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा ओके तो टाई एंड डाई टाई एंड डाई आप समझ गए कपड़े का बहुत ही लंबा वो तैयार करो और उसको जगह, जगह जगह पे जगह जगह पे मोम से सने हुए मोम से सने हुए धागों से बांध दो मोम से सने हुए धागे हैं तो अंदर साइड में रंग नहीं जाएगा और उसके बाद उनको जहां जहां पे आपको प्रिंट नहीं चाहिए वहां पे आपने धागे बांध दिए तो वहां पे आपको क्या होगा कि रंग नहीं चढ़ेगा उसके बाद उसको रंगों में डाल दिया उसको कहते हैं टाई एंड डाई तकनीक बांध करके रंग दो एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई विबिंग बुनाई ये सारी जो चीजें हैं वो फेमस हैं धान से भी बनती है बहुत अच्छा हमारे गांव में भी बनाए जाते हैं बहुत अच्छा है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डाई एंड डाई देखिए तकनीक ये जो है टाई एंड डाई तकनीक से बड़ा हुआ आपको कपड़ा दिख रहा है दिस इज अ टेक्निक इन विच कलर्ड पैटर्न आर प्रोड्यूस इन द फैब्रिक बाई गैदरिंग टूगेदर मेनी स्मॉल पोर्सन ऑफ मेटेरियल एंड टाई देम टाइटली विद डाइंग मैं जो आपको बता चुका इसमें क्या करते हैं कि कपड़ों का जगह जगह पे गुच्छा बनाते हैं और उन गुच्छों में जिस तरह की आकृति चाहिए अब मान लो कि ये बीच वाला पीला है तो इस पीले वाले को हम अंदर कर देंगे ताकि उस उस पर जब ग्रीन कलर में डालेंगे तो वहां पर रंग ना चढ़े ये जो सफेद सफेद देख रहे हैं ये जो थे ये अलग अलग जगहों पर क्या होता था कि मोम से बने हुए धागो से बांध दिया जाता था तो जब उनको आप जो है रंगों में डालेंगे और बाहर निकालेंगे तो जहां जहां पे धागे बंधे थे वहां वहां पे पेंट नहीं चढ़ेगा रंग नहीं चढ़ेगा तो इस तरह से क्या होगा कि उन कपड़ों पे कई जगहों पे स्थान खाली रह जाएगा और जब पूरा कपड़ा खोलेंगे तो उस पर एक स्पेशल पैटर्न बन के आएगा और इस पैटर्न को हम कहते हैं टाई एंड डाई बंधनी तकनीक बंधनी और रंगाई अब ब्यूटी राय बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र प्रताप टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मेरी, मेरी टेलीग्राम आईडी दी गई है तो उसमें आप ज्वाइन कर लें प्लीज ओके okay, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि भारत में स्टाई एंड दाई बांध करके रंगने की कला बंधनी कला इस पे कौन कौन सी विभिन्न तकनीकें हैं पूरे भारत में एक एक करके हम उसको जानेंगे पहली जो है उसको हम कहते हैं बंधनी या बंधेज जो मैं बता रहा था बंधनी या बंधेज इसमें क्या होता था यह राजस्थान में गुजरात में आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में फेमस है और यह एक रेसिस्ट डाइंग प्रोसेस है व्हाट इज रेसिस्ट डाइंग प्रोसेस प्रतिरोध रंगाई की प्रक्रिया देखिए मैंने कहा कि कपड़े को लेकर के आपको डुबाना है रंग में तो वैसे डुबाएंगे तो पूरा का, पूरा का पूरा कपड़ा ही रंग जाएगा तो आपको क्या करना है कि जगह जगह पे या तो आप अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करके कहीं पे ऑयल लगा दिया या कहीं पे मोम लगा दिया या फिर किसी को रबड़ से बांध दिया मतलब उतने जगह को आप रंगने से रोक रहे हैं रेसिस्ट कर रहे हैं प्रतिरोध कर रहे हैं और जब पूरा कपड़ा विभिन्न रंगों में आप डाल करके निकालेंगे तो जहां जहां पे आपने उसको रंगने से रोका था वहां वहां पे आप पाएंगे कि इस तरह से डॉट्स वो कपड़ा वहां पे नहीं रंगेगा तो इसको हम कहते हैं रसिस्ट डाइंग प्रोसेस प्रतिरोध रंगाई प्रक्रिया फिर हम बात करेंगे लहरिया हमारे यहां अभी भी शादी होती है मैं बिहार से हूं और वहां पे हमारे यहां जब शादियां होती हैं तो शादियों में कुछ विशेष समुदायों में कास्टों में स्पेशली अगर हम बात करें तो राजपूतों में या फिर कहीं कहीं ब्राह्मणों में भूमिहारों में कई सारे क्ला, ये कास्ट हैं या आप लोगों में भी क्या होता है कि शादियों में लोग आज भी साफा बांधते हैं साफा कुछ लोग जो नहीं मेहनत करना चाहते हैं वो सीधे सीधे खरीद के पहन लेते हैं बाकी लोग क्या करते हैं जिनको आता है वो साफा बांधते हैं इन साफा में एक जो लहरिया तकनीक है जो कि राजस्थान जोधपुर जयपुर की फेमस है लहरिया क्या होते हैं ये जो साफे होते थे वो इस कलर के होंगे उसमें लहरदार पैटर्न बना होगा जैसे पानी की लहर चलती है ना उस तरह का पैटर्न बना होगा इसको लहरिया तकनीक जो जोधपुर जयपुर राजस्थान से फेमस है लेकिन आजकल शादियों में और कई जगहों पे आप देखेंगे कि ये लहरिया साफे बहुत ही प्रसिद्ध हैं आ, बिल्कुल वो एक्चुअली हमारा ही है आ, मुकेश बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं योगेंद्र प्रताप मैं यूपी से हूं लेकिन मुझे बिहार पसंद है बहुत ही अच्छी बात ठीक है फिर हम बात कर रहे हैं कि ये जो लहरिया जो साफे और लहरिया इस, स्पेशली कपड़ा हो गया कपड़े पे जो पैटर्न बना लहरदार पानी की लहर के जैसा उसको हम कहते हैं लहरिया तो यह जो है एक विशिष्ट विशेष पैटर्न है जो कि कपड़ों पर बनाया जाता है तो लहरिया साफा अगर हम कह रहे हैं तो ऐसे साफे जिसमें इस तरह का पैटर्न बना हो पिंक सिटी जयपुर बहुत अच्छा अब देखते हैं तो यहां तक आप टाई एंड डाई तकनीक के बारे में अच्छी तरह से समझ गए अब इसमें हम जानेंगे एक होती है कलमकारी कलमकारी क्या है कलमकारी जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है इन जगहों के नाम याद रखिएगा जगहों के टिकुली मैंने बताया कि बिहार के बिहार के से संथाल जनजातियों से संबंधित है ये नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं कलमकारी मैं बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ये आते हैं कलमकारी अगर मैं कह रहा हूं तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है और वहां पर कपड़े को नेचुरल डाइज प्राकृतिक रंगों से और हाथ से ही पेंट किया जाता था ये देख सकते हैं आप कलमकारी है और ये कहां की फेमस है आंध्र प्रदेश की हाँ बिल्कुल दीपक शर्मा बुम्यारो में भी होता है एम के लिए यूजफुल है बिल्कुल ही आ, उमेश सिंह गुजर ये एमपीपीएससी के लिए क्योंकि आर्ट एंड कल्चर वहां पे भी आता है तो बिल्कुल ही ये उपयोगी है फिर हम दूसरा बात कर रहे हैं बटिक आर्ट की बटिक आर्ट जो है मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल से संबंधित है देखिए बटिक आर्ट में क्या होता है प्रोसेस ऑफ डेक्रोक डेकोरेटिंग क्लॉथ बाई कवरिंग ए पार्ट ऑफ इट विद ऑफ वैक्स एंड डाइंग डाइंग द तकनीक मैंने आपको बताया था प्रतिरोध रंगाई प्रक्रिया प्रक्रिया इसमें क्या होता है मध्य प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में जब कपड़ों को रंगते थे तो जिन जगहों पे आपको रंग नहीं चाहिए मान लो ये कि ये देखिए कि लेडी का चित्र बना है तो इस तरह से जिन जिन जगहों पे आपको रंग नहीं चाहिए आप वहां पे वैक्स लगा देते हैं मोम लगा देते हैं तो मोम की वजह से आगे पीछे दोनों जगह मोम लगा दिया आपने तो वहां पे रंग नहीं चढ़ेगा तो आपने प्रतिरोध किया रंगाई से तो बटिक कला जो है मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल की एक प्रतिरोध रंगाई कला है आई होप कि आप लोग इसको समझ गए हैं सत्यम कुमार आ, नहीं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जिस चीज के लिए आप पूछ रहे हैं वहां पे एक में रीजनिंग होती है दूसरे में फिजिक्स और मैथ होती है फिर हम बात करते हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट की इसी में हस्तशिल्पी हम ये बता रहे तंचोई तंचोई की अगर मैं बात करूं तो ये सूरत जो कि गुजरात में है और वाराणसी की फेमस है देखिए ऊपर तंचोई है और तंचोई जैसा नाम से ही आपको लग रहा है कि यह जो है चाइनीज इंस्पिरेशन है चीन से प्रेरित है यह जो तंचोई की तकनीक है जो कि सूरत और वाराणसी में प्रसिद्ध है यह आपको चीन से ली गई है फिर दूसरी हम बात करें जामदानी की यह देखिए जामदानी है जामदानी यह हमारे पश्चिम बंगाल से संबंधित है और इसमें आप देखेंगे कि इसमें बैकग्राउंड जो होगा जो कपड़ा होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा और उस पर पे जो पेंटिंग की जाएगी वह बिल्कुल ही ओपेक होगी मतलब कि कपड़ा जो पृष्ठभूमि पे, जिस जिसपे पेंटिंग करनी है वो जो होगी पारदर्शी होगी लेकिन जो पेंटिंग होगी पेंटिंग के आगे पीछे आप नहीं देख पाएंगे फिर मोम हटे मैं बात नहीं समझा मोम मोम कैसे हटेगा पेंटिंग एक बार आप जो पूछ रहे हैं रसेस डाइंग टेक्निक में वहां से फिर क्या किया कि जब पेंटिंग सूख गई तो आप मोम को खुरच करके हटा लो आराम से खुरच के हटा लो तो जब मोम हटाओगे तो वहां पे पेंट नहीं चढ़ेंगे ठीक है फिर हम बात कर रहे हैं पगड़ू बंधु की पगड़ू बंधु जो है वो आंध्र प्रदेश की है देखिए पगड़ू बंधु और यह एक प्रकार की इकत, इकत यह सुना कि हमने क्या किया कि जब कपड़े बन गए तो कपड़ों को हमने अलग अलग जगहों से कहीं रबड़ से बांध करके कहीं पे धागों से बांध करके कहीं पे मोम लगा के उसके बाद उतनी जगह को पेंटिंग करने से रोका था अब ये जो पगड़ू बंधु है इसमें यह एक विशेष प्रकार की है इसमें जो धागे हैं जो यार्न हैं, जिनसे ये चीजें बननी है कपड़े बनने हैं उनको टाई एंड डाई का प्रयोग करके उन धागों को ही रंग लेते हैं कपड़ा नहीं रंगते उसके बाद उन धागों से अच्छी तरह से बुनाई की जाती है ताकि उस पर जो चाहिए आपको जो तकनीक चाहिए वो आपको मिल जाए टाई एंड डाई प्रोसेस बहुत ही अच्छा फिर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं तेलिया रूमाल की देखिए तहलिया रूमाल कह लीजिए तेलिया रूमाल कह लीजिए ये जो है हमारे आंध्र प्रदेश की विशेषता अभी तेलंगाना की तेलंगाना की फेमस है रुमाल। इसमें क्या करते हैं हैं कि एक तरह का तेल लगा देते हैं कपड़ों पे तो जहां जहां पे आप तेल लगा देंगे वहां वहां पर रंग नहीं चढ़ेगा हम जानते हैं कि ऑयल के ऊपर जो है वो कलर नहीं चढ़ता दीवा होली जब हमारे यहां पे होती है तो कुछ लोग बहुत चढ़ाकी करते हैं पहले से क्या करेंगे कि चेहरे पर खूब सा खूब सारा सरसों का तेल लगा के आ जाएंगे या फिर नारियल का तेल लगा के सुखा के आएंगे उसके बाद जब वो आप उसके ऊपर जितना मन करे रंग पोत लो जब उसको बाद में आप हटाएंगे तो आराम से रंग हट जाएगा क्योंकि वो जो रंग जो था अंदर तक पेनिट्रेट नहीं किया इसी तेलों का प्रयोग यहाँ के लोग आंध्र के लोग तेलंगाना के लोग या तेलिया रूमाल बनाने में करते थे और इसमें जो रंग यूज होगा सूरज यादव वेलकम इसमें जो रंग यूज होगा वो एक तरह की अल्जीरिया अल्जीरियन डाई होती है अल्जीरिया से आई हुई फिर हम बात करते हैं यहां पे अजरक पेंटिंग की अजरक प्रिंटिंग की आप देखिए अजरक प्रिंटिंग में क्या होता था ये गुजरात और राजस्थान में फेमस है इसमें क्या होता था कि इसमें अ टाइप ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग यूजिंग नेचुरल डाइज इसमें क्या हुआ कपड़ा आपने रख दिया उसके बाद से ब्लॉक्स होते हैं मतलब जिस तरह की आपको छाप चाहिए उस छाप को रंग में डुबाइए और उसके ऊपर मोहरे लगाते जाइए तो ये हो गई हमारी अजरक पेंटिंग फिर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कानी सॉल की कानी सॉल जो है ये जम्मू कश्मीर की है और ये पश्मीना पश्मीना एक प्रकार की भेड़ होती है उससे जो ऊन निकलता है उससे ये साल बनती है कानी साल इसको हम कहते हैं और इसको जम्मू कश्मीर में इसको जीआई टैग मिला हुआ है राम राम अचल सिंह फिर देखिए आगे चलते हैं हम आगे आते हैं कोतपाद हैंडलूम फैब्रिक की उड़ीसा की है हैंडलूम बिल्कुल वैसे ही एंड प्रोसेस से बनती है उड़ीसा से संबंधित है इसको भी जी टैग मिला हुआ है फिर हम बात कर रहे हैं गुजरात के तंगालिया साल की आप देखिए जहां जहां पे आपको सफेद दिख रहा है वहां वहां पे किसी तरह से उसको बांध के ढक के रबड़ से मोम लगा के तेल लगा के वहां पे लोगों ने रंग को नहीं चढ़ने दिया था तो इसको टाई एंड डाई बांध करके रंगने की तकनीक हम कहते हैं ठीक है तो इसको भी जो तंगलिया साल है इसको भी जी टैग मिला हुआ है स्टडी जी गुड इवनिंग क्वेश्चंस बिल्कुल मिलेंगे ये खत्म हो जाएंगे फिर मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा इनके ऊपर ओके आ, मातानी पचेड़ी माता नी पचेड़ी देखिए यह हमारी गुजरात की है थिंगमा जम्मू कश्मीर से है आप बिल्कुल इनको देख करके आपको समझ में आ जाएगा जहां जहां सफेद है वहां वहां पे लोगों ने कुछ ना कुछ मतलब दिमाग लगा करके वहां पे रंग को चढ़ने से रोका है रसिस्ट डाइंग ये तकनीक प्रतिरोध रंगाई प्रक्रिया ठीक है इसका इस्तेमाल किया है फिर हम बात करते हैं झारखंड की जादू पटुआ पेंटिंग जादू पटुआ पेंटिंग देखिए यहां पे सामने आपको दिख रही है यह एक तरह की पेंटिंग पेंटिंग है स्क्रोल पेंटिंग क्या हुई थी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि स्क्रोल क्या होता है इस तरह की एक आकृति होती है और साइड साइड में हाथ पकड़ने के लिए होता है राइट आप देखेंगे कि मुसलमानों में शुरुआती जो मुस्लिम बादशाह होते थे या अभी जो भी इस्लाम को मानने वाले लोग हमारे इस आ, इसको देख रहे हैं जीआई आई टैक्स बीन अच्छा आप जीआई टैग पूछ रहे हैं है। कहां है आपका डॉटेड टेक्सटाइल है डॉटेड टेक्सटाइल टंगलिया साल देखिए इसमें डॉट्स है ना डॉट्स बिंदु बिंदु तरह के टंगलिया साल गुजरात की है और चूंकि इसमें डॉट बने हुए हैं बिंदु बिंदु वहां पे हमने रंग को नहीं चढ़ने दिया है और इसको जी टैग मिला हुआ है इट हैज गॉट जी आई टैग जी टैग बोलते हैं जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग किसी जगह की अगर कोई चीज फेमस होती है और ये अगर मिल जाए कि ये जो चीज है यही की ओरिजिन है तो उसको जीआई टैग मिलता है ओके okay. अचल सिंह अभी हम उन चीजों पे पहुंच रहे हैं तो झारखंड में एक जादू कम्युनिटी है तो मैंने बताया कि यह जादू पटुआ पेंटिंग जो है वो एक तरह की स्क्रॉल पेंटिंग है स्क्रॉल क्या होता है जो मुस्लिम लोग होते हैं उनकी शादियों में आप देखते होंगे कि इस तरह के जो आपके यहां कभी इनविटेशन आएगा तो ऐसे आप खोलेंगे इसको ऐसे खोलेंगे राइट कपड़ा होता है लिपटा हुआ सही इसको खोलेंगे इसके ऊपर लिखा होगा कि आपका निमंत्रण है या आप आइए और ये ठीक है तो स्क्रॉल होता है जिसको आप लपेट सकते हैं तो जादू पटुआ पेंटिंग झारखंड की है और एक प्रकार की स्क्रॉल पेंटिंग है यहां पे पिचवई देखिए पिचवई राजस्थान की है दाबू दाबू प्रिंटिंग ये भी राजस्थान की है नहीं नहींताशा पांडा पॉलिटी की क्लास राहुल शर्मा सर देते हैं मैं स्पेशली हिस्ट्री की क्लास देता हूं ओके अब हम बात कर रहे हैं कि जो दाबू पेंटिंग क्या है आप जाएंगे राजस्थान में तो एक एंसियंट ब्लॉक प्रिंटिंग है इसमें क्या किया जाएगा कि जिस कपड़े पे प्रिंट करना है ना उस पर विभिन्न तरीके के मान लो कि यहां पे कई सारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न आपको दिख रहे हैं तो उस तरह के ब्लॉक बने होंगे उन ब्लॉक में मिट्टी को भर के और इन कपड़ों पर लगा दिया जाएगा और उस चूंकि मिट्टी तो सूखेगी तो जब मिट्टी वो सूखेगी तो कैसी हो जाएगी वो फट जाएगी रंग अंदर घुस सकता है तो उसमें क्या करेंगे एक स्पेशल पेस्ट लगा देंगे पेस्ट मिला देंगे वो पेस्ट किस चीज का होगा वो पेस्ट होगा गेहूं का गेहूं का पेस्ट होगा उसके बाद एक स्पेशल जो दूसरी चीज होती है उसमें एक आ, मिलाने के लिए एडहेसिव मिलाएंगे गोंद टाइप का ताकि वो जो मिट्टी उन्होंने लगाई वो सूखने के बाद फटे नहीं उसके बाद वो पूरा जो पैटर्न है वो कपड़े पे जगह जगह पे लगा देंगे अब वो जब वो सूख जाएगा तो उस कपड़े को लेकर के हम रंगों में डुबे देंगे जब बाहर उसको निकालेंगे तो जिस जिस जगह पे हमने वो मड वो मिट्टी का घोल लगाया था पेस्ट लगाया था उन उन जगहों पर रंग नहीं चढ़ा तो यह दाबू प्रिंटिंग पेंटिंग है राजस्थान की वेरी यूनिक है फिर हम देखिए यहां पे बात कर रहे हैं ढाला पत्थर पर्दा की ढाला पत्थर पर्दा जो है ये ओडिशा से संबंधित है और वहां पे एक रंगानी समुदाय है वो लोग करते हैं देखिए कितना ये भी यहाँ पे अगर किसी महिला की आकृति आप देख पा रहे हैं जो कि ईश्वर की वंदना कर रही है या किसी चीज को प्रेजेंट कर रही है फूल को तो ये भी टाई एंड डाई तकनीक से ही बनी है यहां पर कुछ चीज लगा दी गई होगी ताकि प्रि जो प्रिंट है उस पर ना चढ़े सुंगड़ी देखिए ये तमिलनाडु की है मुतंगी आप देखिए ये भी तमिलनाडु की है मुतंगी जो है वो स्पेशली जो आइडल्स होते हैं आइडोल आइडोल का मतलब क्या होता है जो ईश्वर की मूर्तियां होती हैं उसके ऊपर चढ़ाने के लिए मोतियों से जड़े हुए इसमें मोती जड़े होते हैं मोतियों से जड़े हुए पोशाक ईश्वर को पहनाए जाते हैं हमारे यहां आपके यहां जब भी कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो हम लोग क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण के कपड़े बदलते हैं वो कपड़े बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे किसी में मोती जड़ा होगा किसी में कढ़ाई की गई होगी तो वैसे ही इन ईश्वर की मूर्तियों को पहनाने के लिए मुतंगी तमिलनाडु में इसका प्रयोग किया जाता था मोती जड़े कपड़ों का ओके फिर हम देखते हैं यहां पे पोचम्पली साड़ी की बात कर रहे हैं पोचमपड़ी साड़ी जो है अब देखिए यहां पे अभी तक हमने जाना कि कई तकनीकों के बारे में अब हम यहां पे बात करेंगे साड़ियों के बारे में भारत में साड़ी जो है शुरुआती दौर से चाहे आप नॉर्थ ले लीजिए साउथ ले लीजिए जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात राजस्थान तक हर एक जगह पे ट्रेडिशनली रूप से बहुत पुराने समय से महिलाएं साड़ी का प्रयोग करती हैं और देखिए चाहे कितना भी जीन्स पहन लो कोई भी कपड़ा पहन लो बट जो किसी भी महिला की खूबसूरती लड़की की खूबसूरती बालिका की खूबसूरती जो अच्छी साड़ी में दिखती है जो हमारे ट्रेडिशनल वियर हैं वो दूसरे में नहीं दिखती तो भारत में की जो कला है वो साड़ी का पहनना बहुत पुराने समय से जारी है तो हम देखेंगे कि कुछ बेहतर साड़ियां कहाँ कहां की फेमस हैं ठीक है कई सारे लोग जानने होंगे बनारसी साड़ी होती है या फिर कई मतलब कौन कौन सी साड़ी होती है अब देखिए कुछ विशेष साड़ियों के बारे में हम सबसे थैंक यू ओके दिलीप बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर हम बात करें कि इसमें एक पोचंपल साड़ी होती है या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की फेमस है वो साड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की की फेमस है इसमें आप पाएंगे कि इसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन बने होंगे यानी कि कहीं पे आपको त्रिभुज की आकृति मिलेगी कहीं पे स्क्वायर मिलेगा कहीं कहीं पे आपको मतलब अलग अलग आकृतियां मिलेंगी और इकत शैली से इकत शैली क्या है इसमें कपड़े को टाई एंड डाई तकनीक से नहीं रंगा जाता इसमें धागे जो होते हैं उनको टाई एंड डाइज तकनीक से बीच बीच में कहीं रंग छोड़ दिया वहां पे कुछ लगा दिया रबड़ बांध दिया ठीक है तो वहां पे रंग नहीं चढ़ेगा वो धागों को पहले हम पेंट कर लेंगे उसके बाद उन धागों से अच्छी तरह से बुनाई कर देंगे जब हम बुनाई करेंगे तो जो साड़ी होगी वो बिल्कुल ही ज्योमेट्रिकल डिजाइन में आएगी बहुत ध्यान से हाँ चंदेरी चंदेरी सिल्क भी फेमस है चंदेरी साड़ी उमेश सिंह फिर हम बात करेंगे वेंकट साड़ी की जो कि आंध्र प्रदेश की फेमस है इसमें बहुत ही अच्छा जड़ी का काम किया होता है और इस वेंकट साड़ी जो कि आंध्र प्रदेश की फेमस है इसको जी टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिले हुए हैं कि अगर किसी भी साड़ी को दूसरे जगहों पे वैसे ही बना के कोई वेंकट साड़ी के नाम से नहीं बेच सकता ठीक है फिर हम बात करेंगे उपद जमदानी साड़ी की जो कि आंध्र प्रदेश की फेमस है और यह एक तरह की सिल्क की साड़ी होती है और बहुत ही हल्की होती है बहुत अच्छा वार डीटा। फिर हम देखते हैं एक और साड़ी होती है जिसको हम जमदानी कहते हैं जमदानी वेस्ट बंगाल की फेमस है और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है कोटपाड कोटपाड़ की पेंटिंग की तकनीक हमने जानी थी उड़ीसा की है तो कोटपाड़ साड़ी अगर हम कह रहे हैं तो यह भी हमारी उड़ीसा से ही उड़ीसा की ही है और वहां के जो लोग होते हैं एक स्पेशल कम्युनिटी है जनजाति है वो कम्युनिटी इसको बनाती है और इसमें रंगों के लिए एक स्पेशल पेड़ होता है जिस पेड़ को हम मादर पेड़ कहते हैं मदर का पेड़ वो जो मदर का पेड़ से जो रंग निकलता है नेचुरल मदर का प्रयोग करते हैं इसमें रंगने के लिए इस कोत साड़ी जो उड़ीसा के है, की है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है फिर हम बात करेंगे पटोला फिफ्टीन हाँ, टाइप्स ऑफ साड़ी आप देखते चलिए प्रणव फिर हम बात कर रहे हैं पटोला की पटोला जो है वो हमारे पाटन गुजरात की फेमस है फिर हम बात करेंगे बलूचारी साड़ी की मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से फेमस है फिर देखिए बनारस की बनारस की एक तंचोई ब्रोकेट्स है वो काफी फेमस है जिसको हम बनारसी साड़ी कहते हैं चंदेरी जो अभी अभी आप में से एक लोग पूछ रहे थे उमेश सिंह गुजर चंदेरी मध्य प्रदेश की फेमस है यह एक तरह का स्पेशल कपड़ा होता है जिसमें कि आपको कॉटन मतलब सूती जरी तथा सिल्क इन तीनों को मिलाकर के बहुत ही हल्का कपड़ा होता है चंदेरी सिल्क हम उसको कहते हैं फिर हम देखेंगे इलकाल यह कर्नाटका की है इसमें हम देखेंगे कि कसूती एम्ब्रॉयडरी होती है फिर देखेंगे कोसा है कोसा की सिल्क साड़ी छत्तीसगढ़ की है फिर पैठानी महाराष्ट्र की है इस पैठानी साड़ी में आप पाएंगे कि इसमें सिल्क की तो यह साड़ी होती है लेकिन बीच बीच में इसमें सोने के सोने के रे आ, सोने के धागों का प्रयोग किया जाता है बहुत पहले हमारे यहां पे भी कुछ मतलब ऐसी साड़ियां थी जो बाद में फट तो गई थी बाद में उसको देकर करके जो आभूषण बनाने वाले हैं सुनार लोग हैं तो उनको देकर करके उसमें से सोना निकलवा लिया गया था क्योंकि बहुत पुरानी थी ट्रेडिशनल थी तो ये जो साड़ियां इस प्रकार की होती हैं उसको हम पैटानी बोलते हैं फिर देखिए कशावू केरला की है ये जो कशावू साड़ी होती है इसका जो बॉर्डर होगा बॉर्डर हम किसको बोलते हैं साड़ी का किनारा मान लीजिए कि ये अगर पूरी हमारी लंबी साड़ी है तो इस साड़ी में दो जगह पे बॉर्डर्स बॉर्डर्स जिसको हम फाल जहां पे लगाते हैं ये बॉर्डर जो आप देखेंगे ना ये वाले ये जो बॉर्डर होते हैं ये गोल्डन होते हैं कहा की है केरला की जामावार जम्मू कश्मीर से संबंधित है कोंड्राड ये सभी साड़ियां ही हैं तमिलनाडु से संबंधित है बोमकई उड़ीसा की है नौकारी महाराष्ट्र की है इसको कास्ता साड़ी भी कहते हैं फिर हम तांत की साड़ी हम देखेंगे कि आज भी जो काफी मतलब उम्र की महिलाएं हैं इस तांत की साड़ियों का बहुत प्रयोग करती हैं जैसे हमारी दादी साहब हैं वो तांत की साड़ी उनको बहुत पसंद है तो ये वेस्ट बंगाल की है थोड़ी कड़ी होती है सूती की होगी और कड़ी होगी जब भी आप धोएंगे तो उसमें क्या है उसमें आपको स्टार्च चाहिए ताकि वो कड़ा रहे अब हम आएंगे ये पूरी हो गई साड़ी की कला और टाई डाई तकनीक हमने जान ली दो और थी एक एम्ब्रॉयडरी थी तीसरी वीविंग थी तो अब एम्ब्रॉयडरी हम देखेंगे कि एम्ब्रॉयडरी क्या होती है मान लीजिए कि कोई कपड़ा हो गया तो अब क्या होगा कि हमने इससे पहले जो भी जाना हमने देखा कि या तो उस पर ब्लॉक लगा के छाप लगा रहे थे या रंगों से कर रहे थे अभी एम्ब्रॉयडरी में क्या होता है प्लेन कपड़ा लेते हैं आप और विभिन्न धागों से विभिन्न आकृतियां आप उस पर बनाते हैं ठीक है उसको हम कढ़ाई करना कहते हैं जो भी ट्रेडिशनल रीजनल टॉप ट्वेंटी साड़ी हैं उनमें बनारसी साड़ी क्यों नहीं आती बनारसी साड़ी बिल्कुल आती है तंचोई जो ब्रोकेट जो है जिनको हम बनारसी साड़ी करते हैं जस्ट सी हियर ठीक है तंचोई ये उसी नाम से फेमस है ओके फिर हम आ रहे हैं एम्ब्रॉयडरी की इसमें प्लेन कपड़ा होता है और उस पर विभिन्न धागों से एम्ब्रॉयडरी की जाती है अब ये धागे कैसे होते हैं और ये क्या है एम्ब्रॉयडरी एम्ब्रॉयडरी इज ए क्राफ्ट ऑफ मेकिंग रेस डिजाइन वेरियस थ्रेड ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉटन देर न्यूमरस एम्ब्रॉयड्री आर्टवर्क डेवलप्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एम्ब्रॉयड्री क्या होता है जो प्लेन कपड़ा होगा जब उस पर आप अलग अलग चीजों से लेकर के जब कढ़ाई करेंगे जैसे आपने ये कढ़ाई करी है तो यहां पे हम देख रहे हैं कि धागों का ही प्रयोग हुआ है इस कढ़ाई में तो आप ये प्लेन से ये पोर्शन कैसे होगा थोड़ा सा ऊपर ऊपर की तरफ उभर जाएगा तो यह जो कढ़ाई है कभी कभी आप देखेंगे कि धागों की जगह पे कभी कभी चांदी का प्रयोग होगा चांदी के धागे चांदी के धागे कैसे बनेंगे आप जानते हैं कि चांदी सोना ये जो है काफी ये मैलिएबल होते हैं कि उन, उनके पत्थर जो है आप पीटेंगे तो पत्थर बन जाएंगे मतलब बड़े बड़े इनके परत निकाले जा सकते हैं दूसरे डक्टाइल होते हैं तन्ने होते हैं बहुत पतले पतले धागे इनके खींचे जा सकते हैं क्योंकि ये धातु हैं ठीक है तो हम देखेंगे कि गोल्ड सिल्वर का प्रयोग करके इनके ऊपर विभिन्न प्रकार विभिन्न प्रकार की कढ़ाई की जाती थी इस और इस कढ़ाई को ही हम एम्ब्रॉयडरी कहते थे ठीक है पूरे भारत में विभिन्न प्रकार की कढ़ाई फेमस है सबसे पहली हम बात करेंगे जो पिपली आर्ट है वो उड़ीसा के पिपली विलेज से प्रसिद्ध है आप देख सकते हैं यहां पे पिपली आर्ट आपको देखने को मिलता है हैव इन मेकिंग डेकोरेटिंग डेकोरेटिव इसमें जो दिए बनते हैं बनते हैं उनपे कड़ाई की जाती है इस प्रकार की दिए दिया, दिया का मतलब क्या समझते हैं जो सजावटी लैम्प बनेगा उसका जो बाहर के जो आकृति होगी उसके ऊपर ये कपड़े चढ़ाए जाएंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे फूलकारी की तो पिपली कहां से फेमस है उड़ीसा की लैंप्स को डेकोरेट करने के लिए जो कपड़ा होता है उस पर चढ़ाई जाती है फिर हम बात करेंगे फूलकारी की फूलकारी पंजाब हरियाणा दिल्ली इन जगहों की फेमस है और यह एक प्रकार की कपड़ों पे फूल बनाने की कला है फूल बनाने की कला है ठीक है इसलिए इसको हम कहते हैं फूलकारी है यह पंजाब की हरियाणा की तथा दिल्ली क्षेत्र की यह फेमस है इसमें कपड़े के ऊपर विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों के फूलों को बनाया जाता है तो आप देख सकते हैं यहां पे फूलकारी आपको देखने को मिल रहा है पंजाब हरियाणा दिल्ली जो यहां से यहां पे वीडियो देख रहे हैं इन जगहों से हैं तो आपको अच्छी तरह से ये बात ये पता होगी फिर हम बात करेंगे बाघ की बाघ जो है वो पंजाब के क्षेत्र की फेमस है यहां पर हमने बाघ बाघ वाली कढ़ाई की पेंटिंग का, का कपड़ा लगा रखा है इसमें देखिए बाघ में क्या होता है बाग में जो भी कपड़ा होगा उसके ऊपर फूल बनाए जाएंगे और काफी बेहतर फूल बनाए जाएंगे लेकिन ये जो कपड़ा होगा जो जिससे फूल बनाना है वो सिल्क का होगा बैकग्राउंड नहीं बैकग्राउंड तो मान लीजिए सूती का है लेकिन उसके ऊपर जो कढ़ाई की जाएगी एम्ब्रॉयडरी की जाएगी वो सिल्क की की जाएगी फिर हम देखते हैं जड़ी का काम जड़ी का काम हमारे जयपुर और खंडेला का फेमस है इसमें स्पेशली जो कपड़ा होता है उसके ऊपर जो कढ़ाई की जाएगी बहुत ही बारीक इंट्रिकेट आर्ट है बहुत देखते हैं आप कितनी बेहतरीन तरीके से और कितनी बारीकी से इसके ऊपर बनाया गया है और इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं सोने के धागों का या चांदी के धागों का तो जब हम जरी का काम कहते हैं तो इसका मतलब सोना या चांदी के बने हुए धागों का प्रयोग करके बहुत ही बारीक कढ़ाई की गई है फिर करचोबी इसमें एक विशेष प्रकार का जड़ी का काम है जो कि राज, राजस्थान से संबंधित है फिर हम बात करें चिकनकारी की हमारे यहां पे आप जाएंगे मतलब उत्तर प्रदेश में तो यहां पे देखते हैं लखनऊ में लखनऊ में आपको चिकन का कपड़ा बहुत ही अच्छा मिलता है अब ये चिकन का कपड़ा मतलब कि मुर्गे का कपड़ा नहीं है ये चिकन क्या होता है सफेद कलर यूजली जो इसके ऊपर कढ़ाई की जाती है एम्ब्रॉयडरी की जाती है वो कोई भी प्लेन क्लॉथ होगा लाइट कलर का उसके ऊपर चिकन की कढ़ाई का मतलब है कि सफेद धागों से यह कढ़ाई की जाएगी उसके चिकन चिकन चिकनकारी वाला जो आप पाएंगे ना कुर्ता पजामा, स्पेशली जो कुर्ता काफी अच्छा होता है फिर हम बात करेंगे कसीदाकारी कसीदाकारी जो है वो कश्मीर से संबंधित है ठीक है वो बोलते हैं कि जब कोई एक कहावत भी है कहावत है कि जब कोई काम बहुत कोई आदमी बहुत धीरे धीरे मतलब कर रहा हो तो हम उसके उसको कहते हैं कि क्या तुम कसीदे काट रहे हो क्या कसीदे काटने का मतलब हुआ और उस समय हमें पता नहीं होता इस कसीदे का मतलब क्या होता है यह कसीदा जो है वो कश्मीर से संबंधित है और यह वहां की एक एम्ब्रॉयडरी है कढ़ाई करने की प्रक्रिया है आप देख सकते हैं कश्मीरी सालों के ऊपर आपको देखने को मिलता है हाँ मलमल का कॉटन बहुत बढ़िया हाँ सिद्धार्थ सर्मा बिल्कुल हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे कल भी हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर ही होगा फिर हम बात करेंगे आ, बनारस बनारस ब्रोकेट्स की जो अभी अभी आप वार पूछ रहे थे इससे पहले हम साड़ियों में जो जाने थे साड़ियों में जाने थे फिर से हम यहां पे हैंडीक्राफ्ट्स में भी आ गए हैं देखिए बनारस में जो सिल्क की साड़ियां आप पूछ रहे थे कि उसका उनका नाम क्यों नहीं है तो यहां पे बनारस में जो सिल्क की साड़ियां होती हैं उनके ऊपर सोने का या चांदी के जरी का काम किया जाता है उसको हम बनारस ब्रोकेड कह रहे थे हमने पहले भी दिखाया था लेकिन वो रंगने की प्रक्रिया थी अब यहां पे हम इसकी प्रक्रिया को देख रहे हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स में ठीक है वहां पे हम साड़ियों के लिए जान रहे थे यह भी साड़ियों के लिए ही है यह देखिए पूरी की पूरी हमारी बनारस की साड़ी है अब इस पे जो आप ये देख रहे हैं ना कि जो सफेद धागे स्पेशली बॉर्डर पे जो दिख रहे हैं ये हैं चांदियों के बने हुए और ये जो लाल गोल्डन कलर के धागे हैं ये वास्तव में हमारे सोने के बने हुए हैं सोने के धागों से बने हुए हैं फिर हम बात करेंगे महेश्वरी साड़ी की महेश्वर साड़ी जो है ये मध्य प्रदेश से फेमस है इसमें भी सोने के जरी का काम और रिवर्सिबल बॉर्डर इसका आप जो बॉर्डर पाएंगे साड़ियों का इसका सीधी तो साड़ी होगी लेकिन जो उसका बॉर्डर होगा वो उल्टा होता है रिवर्सिबल होता है मतलब आपको ऊपर से आपको जो है ना धागे बाहर की तरफ दिखाई देंगे मुगल साड़ी पहनते थे क्या अगर आपका ये प्रश्न है तो मुगलों के समय में जो औरतें होती थी बिल्कुल ही वो साड़ी पहनती थी वो साड़ी पहनती थी लेकिन उन साड़ियों की जगह अधिकतर जो हमें देखने को मिलता है वहां पे लहंगा और ये सारी चीजें काफी प्रसिद्ध थी बट अगर हम मध्यम वर्गों की बात करें क्योंकि अगर हम मुगल कहेंगे तो मतलब पूरा का पूरा शाही खानदान हो गया लेकिन मध्यम वर्ग की जो मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो वो साड़ियां पहनती थी हमने बताया था कि किसी एक जगह पे जो पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे के आचार व्यवहार को सीख लेते हैं तो वो भी साड़ियां पहनते थी पहनती थी अब मुगलों के नाम पे आ गया आपका हिमरू जो अभी आप पूछ रहे हैं मेडिवल क्राफ्ट यूज इन मुगल कोर्ट मरू हिमरू की जो कढ़ाई है एम्ब्रॉयडरी है यह मुगलों के दरबार में कराई जाती थी और स्पेशली अब मुगल अगर हम कह रहे हैं तो मुगलों का शासन तो लगभग पूरे दक्कन से लेकर के औरंगजेब जो था पूरे दक्षिण तक जीतते जीतते चला गया था और जम्मू कश्मीर तक और काफी आगे तक इधर बंगाल वाले हिस्से तक और दूसरा अब हमारा सिंध पाकिस्तान वाले हिस्से तक तो मुगलों का शासन बहुत लंबा चौड़ा था उसमें जो औरंगाबाद महाराष्ट्र है वहां पे हिमरू जो कि मुगलों की सभा में इस प्रकार की जो आप कढ़ाई देखते हैं वो देखने को मिलती है एम्ब्रॉयडरी हिमरू जो है मुगल कोर्ट से संबंधित है औरंगाबाद की है फिर चंबा रुमाल देखिए रुमाल का मतलब हैंकर हम हाथ मुंह पोछने के लिए इसका प्रयोग करते हैं देखिए है, यह अ टाइप ऑफ हैंकर फेमस इन हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश का एक स्पेशल तरह का रुमाल है ये और उसके ऊपर चंबा की पेंटिंग की जाती है और इस पेंटिंग में स्पेशली आप पाएंगे कि भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित कहानियों को दिखाया जाता है फिर हम आएं। आगे आएंगे सीसा सीसा जो है वो गुजरात का जो कक्ष वाला क्षेत्र है ये देखिए अगर हमने पूरा ये वाला हिस्सा बनाया ये मैं काफी अच्छा नहीं बना रहा हूं बट आप इस चीज को समझ जाइएगा अगर हमने कक्ष वाले हिस्से की बात की इस वाले हिस्से की कक्ष वाले गुजरात की तो इसमें सीसा प्रसिद्ध है ओके उमेश सिंह बहुत ही अच्छा आ, आप समझ गए मेरे लिए बहुत खुशी की बात है पानेक शॉल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह जो है एक स्पेशल प्रकार की मूगा सिल्क की बनी हुई मणिपुर की साड़ी थी मणिपुर का एम्ब्रॉयडरी वर्क था पानी का साल यह एक साल था साल जिसको हम ऊपर ओढ़ते हैं यह मणिपुर का है और मुगा सिल्क से बना हुआ था इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके बनाया जाता था बिल्कुल शीशे का प्रयोग होता है हम देखते हैं अभी भी कई सारे जो लड़कियां सलवार कुर्ता पहनती हैं उसमें कई जगहों पे आपको शीशे आपको देखने को मिल जाते हैं बट यहाँ पे जो पनीका शॉल है पनीका शॉल उसमें अलग अलग जगहों पर शीशे लगे होते थे फिर देखते हैं हम कांता की बात करेंगे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में फेमस है और इस पे कई तरफ के मोटिफ्स बने होते थे मोटिफ्स का मतलब क्या होता है कई तरह के रूपांकन आप देखते होंगे कि मान लीजिए कि एक ही तरह के चित्रों को बार बार जब दोहराया जाए उसको हम मोटिफ कहते हैं ये आपके किसी घर के बॉर्डर पे भी हो सकता है पेंटिंग में भी मोटिफ होते हैं और तो इस तरह से साड़ी कपड़ों पे भी हो सकते हैं और यह एक प्रकार का क्या था एम्ब्रॉयडरी थी ठीक है कांता वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से की फेमस है जारदोजी का काम ये उत्तर प्रदेश का फेमस है और इसमें सोने के चांदी के कॉपर के मतलब तांबे के धागों का विशेषता प्रयोग करके और जारदोजी का काम किया जाता है अधिकतर लोग जब ना शादियों में आप में से कई सारे शेरवानी पहने होंगे या पहनने वाले होंगे उसमें देखिए लोग पसंद करते हैं कि भाई जारदोजी का काम किया हुआ चाहिए अगर महंगी लगभग चालीस पचास हजार से ऊपर की शेरवानी चाहिए तो फिर हम देखते आरी वर्क आरी का काम कितना बेहतर तरीके से बनाया गया है और यह गुजरात का फेमस है इसमें जो धागों का कार्य होता है बहुत ही डेलिकेट बहुत बारीकी से किया गया होता है फिर हम बात कर रहे हैं धनरिया की धनरिया जो है यह भी हमारे गुजरात की फेमस दीवाल से लटकने वाली एम्ब्रॉयडरी है वॉल हैंगिंग एम्ब्रॉयडरी है गुजरात में की जाती है देखिए इसी तरह गुजरात की हीर है हीर यहां पे हीर जो होती है सिल्क के कपड़ों पे किया जाने वाला एक विशेष प्रकार का एम्ब्रॉयडरी है यहां पे देख सकते हैं ये बीच बीच में जो ना ये सिल्क की साड़ी अगर आपको ये लग रही है तो इसके ऊपर हीर का काम किया गया है फिर हम बात करेंगे अक्षीदा की बिहार से संबंधित है और जैसे बाघ एम्ब्रॉयडरी होती थी बाघ एम्ब्रॉयडरी अभी तक लोग भूल गए होंगे अभी अभी मैं पीछे इसको पढ़ाया हूं आकांक्षा गुज्जर वेलकम कोई बात नहीं आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ठीक है तो बाघ की एम्ब्रॉयडरी फेमस है कहां की पंजाब की तो पंजाब में जैसे बाघ की एम्ब्रॉयडरी होती थी जिसमें फूल बनाए जाते थे वैसे ही बिहार की एम्ब्रॉयडरी है इसको हम कहते हैं अक्षिदा ठीक है और पंजाब के बाग की एम्ब्रॉयडरी की तरह ही यह भी फेमस है फिर हम बात करेंगे कसूती की कसूती हमारे कर्नाटका से संबंधित है यहां पे एब्सेंस ऑफ नॉट्स सो बोथ साइड ऑफ क्लोथ्स लुक अलाइक यहां पे आपको साड़ियों में दोनों ही साइड से जब आप देखेंगे ना तो बिल्कुल ही सेम दिखाई देगी इसमें आपको लगेगा नहीं कि सीधी पहननी है या उल्टी पहननी है इसका कोई भी साल साड़ी मतलब कसूती वाला जो आप पाएंगे तो उसमें कभी भी आप एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो धागे को फंसाने के लिए नॉट बनाएंगे ना छोटी छोटी गांठे बनाएंगे तो गांठे जो है यूजुअली लोग पीछे वाले साइड में रहते हैं पीछे वाले साइड में रखते हैं इसमें गांठे होती ही नहीं है अब पता नहीं कैसे उसको बेहतर तरीकों से वो कर देते हैं तो अब जो साड़ी या सॉल है उसको आप सीधे साइड से रखिए या उल्टे साइड से रखिए उसके, उसके उस पर की गई एम्ब्रॉयडरी दोनों ही साइड से सीधी लगेगी क्योंकि गांठे उसमें नहीं होती फिर हम बात करेंगे रवड़ी अब देखिए हमारे गुजरात और राजस्थान में एक स्पेस एक स्पेशल टाइप की स्पेशल टाइप की एम्ब्रॉयडरी होती है जिसको कि काउंटिंग ऑफ ईच थ्रेड तो एक स्पेशल टाइप की एम्ब्रॉयडरी होती है जो वहां पे एक जनजाति होती है जिसका नाम होता है रेवड़ी रेवड़ी जैसे कई सारे लोगों के नाम होते हैं जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का नाम है जैसे मान लीजिए अमित तो अमित रेवड़ी तो जो भी अमित रेवड़ी अगर हैं तो रेवड़ी रेवड़ी जनजाति के लोग हैं उनमें इसी रेवड़ी नाम से इसी रेवड़ी नाम से गुजरात और राजस्थान में रेवड़ी जनजाति के लोग इस प्रकार की यह करते हैं ये क्या बोलते हैं एनिमल डेकोरेशन होता है बहुत अच्छा वार्डिटा कहां से हैं आप आई होप कि आपने इसको सुन रखा होगा वारडीटा अगर आप राजस्थान से संबंधित हैं तो फिर हम बात करेंगे सुजनी और सोजनी सुजनी और सोजनी जो है यह हमारे जम्मू कश्मीर की है और आप देखते हैं कि जो कपड़ा होता है बिल्कुल ही लाइट होता है और जम्मू कश्मीर का यह प्रसिद्ध है बहुत ही बेहतरीन तरीके का इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है यह देखिए सुजनी जो आप देख रहे हैं यहां पे यह सुजानी और सोजनी है लेकिन जैसे ही हम सुजनी यू का इस्तेमाल करेंगे तो यह बिहार से संबंधित है जैसे बिहार में मैंने आपको बताया था ना कि जो मधुबनी पेंटिंग्स होती हैं तो वो तो पेंटिंग थी वो कपड़ों पे भी की जाती थी तो लोग अधिकतर शादियों में जाते हैं तो बोलते हैं कि मधुबनी प्रिंट वाली साड़ियाँ चाहिए लेकिन जो मधुबनी पेंटिंग हम जानते थे उसमें यूजली ईश्वर के मतलब देव देवी देवताओं के चित्र होते थे जो कि फर्श पे या दीवार पे बनते थे स्पेशल पेंट का यूज करके वैसे ही बिल्कुल उसी तरह के चित्रों का प्रयोग इस एम्ब्रॉयडरी में किया जाता है सुजनी कहते हैं लेकिन एस यू जेड एन आई और एसओ जेड एन आई लिखेंगे तो यह हमारे से, से संबंधित है okay. uh, okay. uh, प्रणाम और आप ये रिकॉर्डिंग देख लीजिए क्योंकि काफी मतलब हमने अच्छा इसमें सभी चीजों के बारे में समझाया है इसको जरूर देखिएगा एग्जाम में से कुछ आ जाएगा इसमें फिर हम देखेंगे बंजारा बंजारा जो है वो हमारे आंध्र प्रदेश में एक लंबाड़ा जनजाति के लोग होते हैं और मध्य प्रदेश में बंजारा के ही जनजाति के लोग होते हैं तो आंध्र प्रदेश के लंबाड़ा और मध्य प्रदेश के बंजारा इन दोनों ही जनजातियों के द्वारा एक स्पेशल तरह की कढ़ाई की जाती है कपड़ों के ऊपर और इस कढ़ाई को हम बंजारा कढ़ाई का नाम देते हैं ठीक है आपने ये ये देख लिया फिर हम बात करेंगे इंडियन हैंडीक्राफ्ट में डोंगरी स्कार्फ और खपरा गोंडा की अब डोंगरिया जो डोंगरिया खोंड उड़ीसा में एक डोंगरिया खोंड जनजाति है उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कला है जिसको कि हम डोंगरिया स्कार्फ कहते हैं स्कार्फ आप देखते होंगे कि स्कार्फ लोग गले में बांधते हैं या फिर जो है सिर में बांधते हैं तो यह जो डोंगरिया खोंड जनजाति के लोगों की काफी फेमस है डोंगरिया स्कार्फ वैसे ही कीम कीम खाब म खाब जो है ये वाराणसी की उत्तर प्रदेश की फेमस है इसमें क्या किया जाता है सिल्क या गोल्ड सिल्क के ऊपर सिल्क के कपड़ों के ऊपर सोने के धागों से यह कढ़ाई की जाती है और सोने के धागों को यहां पे कलबत्तू कहते हैं कलाबट्टू डांस वाली पीडीएफ करेक्ट हो गई है और आज मैं उसको अपडेट कर दूंगा ग्रुप में आ, अच्छा आकांक्षा मैं उसको अपडेट कर दूंगा आज फिर गारा और अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है तो मैं इसको यहीं पे पिन करा दूंगा डांस वाले वीडियो के साथ में फिर हम बात करेंगे गारा गारा जो है गुजरात की फेमस है और गुजरात में आप पाएंगे कि पारसी कम्युनिटी के लोग रहते हैं पारसी कौन लोग होते हैं देखिए एक समय था जब पूरा हमारा जो ईरान वाला हिस्सा है उसको हम फारस कहते थे तो एक बार बहुत पुराने समय में पारस के लोग जब वहां पे आप देखेंगे कि इस्लाम का आगमन होता है तो स्पेशली जब पूरी अरब कंट्री जो होते हैं वो मतलब इस्लामिक चीजों को मतलब इस्लाम धर्म को अपना लेती हैं उसके बाद यही अरब जो होते हैं ईरान की तरफ बढ़ते हैं और पूरा का पूरा ईरान जो है उसका इस्लामीकरण हो जाता है तो वहां से कुछ लोग भागते हैं और आके स्पेशली गुजरात में आके बस जाते हैं गुजरात महाराष्ट्र वाले हिस्सों में ठीक है तो ये जो कम्युनिटी है इसको हम पारसी कहते हैं पारसी लोग जैसे रतन जी टाटा वगैरह जितने भी हैं अंबानी बिरला ये सारे के सारे हमारे जो हैं पार्शी है पारसी ही हैं पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा जो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा अन एकेडमी अनएकेडमी अंडरस्कोर यशवंत अंडरस्कोर सिंह करके मेरा पी है जो है टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए इसमें मैं डाल दूंगा आकांक्षा गुजर यू आर वेलकम तो इन पारसी कम्युनिटी जो है पारसी समुदाय के लोग हैं इनकी एक गारा गारा प्रकार की एम्ब्रॉयडरी होती है और इसमें आपको चाइनीज छाप देखने को मिलती है चाइनीज प्रभाव चीन के प्रभाव देखने को मिलते हैं फिर हम बात करेंगे तो अभी तक दो चीजें आपने जान ली एक तो टाई एंड डाई रेसिस्ट रेसिस्ट कलरिंग टेक्निक की किस तरह से चीजों को हम बांध रहे थे उसके ऊपर मोम लगा रहे थे तेल लगा रहे थे रबड़ लगा रहे थे उसको अंदर की तरफ रख रहे थे या ब्लॉक्स में मड का प्रयोग करके हम किस तरह से कपड़ों को रोक रहे थे कि कुछ विशेष जगहों पे जहां पे हमें पैटर्न चाहिए वहां पे रंग न चढ़े लेकिन रमेश कुमार गुड इवनिंग लेकिन अब हम यहां पे बात करेंगे फिर दोबारा बात हमने कही थी एम्ब्रॉयडरी की तो आपने एम्ब्रॉयडरी देख ली अब तीसरा प्रकार हम देखते हैं जिसको कि हम बुनाई कहते हैं आपके यहां पे भी शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग स्वेटर वगैरह पहनते होंगे ठीक है तो स्वेटर को बुना ही जाता है कई सारे कपड़े भी पहले बुनाई ही होते थे उनकी वीविंग की जाती थी अब वीविंग क्या होती है देखिए वॉट इज वीबिंग ंग इज अ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक बाय इंटरलेसिंग सेट्स ऑफ यार्न टू फॉर्म अ फैब्रिक और क्लोथ मटेरियल आप देखते होंगे कि पुराने समय में जब आपकी माँ साहब या फिर दादी साहब या फिर बहन ठीक है या अभी भी कई सारे जो घर में औरतें हैं उनक, उनका काम होता है कि ऊन का बड़ा बड़ा गोला ले लेती हैं ठीक है और ले करके उसको ऐसे ना दो हाथों में क्रॉस होते हैं उसको ले करके आराम से ऊन से उसको बुनती रहती हैं वो जो तकनीक है जो काम करती हैं उसी को इंटरलैस करती हैं उन धागों को और इंटरलैसिंग से जो क्या होता है बुनाई होती है जैसे स्वेटर बुना जाता है तो अब हम जानेंगे कि यही बुनाई जो है वो कितने प्रकार की होती है हम देखेंगे कि भारत में कई विभिन्न प्रकार की विपिंग की तकनीक है ठीक है अब हम बात करेंगे हाँ कढ़ाई भी जान लिए बहुत ही अच्छा अब हम जानेंगे वांकी पी हाँ बिल्कुल वांकी पी के बारे में जानेंगे वांकी पी जो है वो हमारी मणिपुर से संबंधित है इसमें क्या किया जाता है कि विविंग ऑन ट्रांसपेरेंट फैब्रिक विद डिजाइन हम क्या करते हैं कि स्पेशली हम यहां पे फैब्रिक्स को लेते हैं मतलब कई सारे रेसों को लेते हैं जैसे ऊन विभिन्न कलरों के तो उसके साथ जब बुनना शुरू करते हैं तो बीच बीच में ये फूल की आकृति बनाने के लिए हम ये कपड़े के ऊपर नहीं की गई है आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जब घर में लेडीज व्विंग करती हैं तो उस समय अगर बीच में किसी दूसरे रंग का फूल चाहिए तो उस रंग को मतलब कपड़ा बुनते समय ही स्वेटर बुनते समय ही वो स्पेशल रंग उसी में डाल देंगी और उसको भी बुन देंगी उसको भी इंटरलेसिंग कर देंगी तो ये ऊपर से नहीं किया गया है और ना ही पेंटिंग है ये टाई डाई नहीं है एम्ब्रॉयडरी नहीं है उन तो धागों का ही प्रयोग किया गया है तो ये मणिपुर की है और मणिपुर की बहुत ही पारंपरिक बुनाई है और यह ट्रांसपेरेंट फैब्रिक पे मतलब ट्रांसपेरेंट फैब्रिक होता है आर पार इसको देख सकते हैं इसको जीआई टैग मिल रखा है फिर हम बात करेंगे लाम्पी वीविंग की मणिपुर से ही संबंधित है और मणिपुर में एक मैती मैती, मैती एक प्रक, एक प्रकार मैती जनजाति है क्योंकि जो भी हमारी सर्विस है वहां पे हम जो है इंडिया के विभिन्न लोगों से मिलते जुलते हैं तो हमारे साथ कुछ हमारे दोस्त हैं वो मैथी कम्युनिटी के आते हैं तो वहां पे हमने देखा है कि भाई उनकी महिलाएं हैं वो इस प्रकार की विबिंग या इस प्रकार के कपड़े पहनती हैं ठीक है सांपी लाम्पी वीबिंग इसको भी मणिपुर को जीआई टैग मिला हुआ है फिर हम बात करेंगे पत्ता वीबिंग की पत्ता वीबिंग क्या होती है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से संबंधित है और वहां पे जो ट्राइबल वुमेन है अब ये जो बस्तर वाला एरिया है काफी फेमस रहता है आपने देखा होगा आए दिन वहां पे आपको माओवादी घटनाएं देखने को मिलती होंगी तो इसी बस्तर डिस्ट्रिक्ट के पास जो ट्राइबल वीमेन रहती हैं, वो ये पत्ता बुनाई करती हैं फिर हम बात करेंगे ये देखिए ये पत्ता पत्ता बुनाई है फिर देखिए मशरू वीबिंग ये गुजरात की फेमस है हाँ बहुत अच्छा वाडीटा आप आ, सत्यम ये एक्चुअली वी कैन नॉट टेल यू अबाउट द सर्विस मैं आपको आई कैन नॉट टेल यू स्पेशली ठीक है फिर हम बात करेंगे बोहरा कैप वीपिंग की बोहरा कैप वीपिंग क्या होती है देखिए बोहरा एक जनजाति है आ, बोहरा मुस्लिमों में ही एक समुदाय है बोहरा मुस्लिमों में ही एक समुदाय है और उनकी जो टोपी होती है वो क्या होता है नीचे जो होते हैं तार लगे होते हैं और जो तार लगे होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के कपड़ों आ, उस तार के ऊपर ऊपर जो होती है ये बुनाई की जाती है और इसको हम बोहरा टोपी कहते हैं बोहरा टोपी जैसे इस्लाम में लोग पहनते हैं राइट फिर हम देखेंगे कि यह जो कला है गुजरात और मध्य प्रदेश से संबंधित है और इसमें कई प्रकार के फूलों का या फिर जामितीय पैटर्न का प्रयोग किया जाता है सत्यवाई मैम वेरी सॉरी आई कैन लेट यू नो ये मतलब कि इट्स अगेंस्ट द सर्विस रूल्स की मैं आपको बताऊं ठीक है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट तो आप समझ गए कि बोहरा जो जनजाति है एक प्रकार की आ, आ, बोहरा जनजाति नहीं बोहरा मुस्लिम समुदाय है ये लोग जो टोपी पहनते हैं नीचे तार लगे होते हैं और उसके ऊपर ये बुनाई की जाती है इसको बोहरा कैप वीविंग कहते हैं गुजरात और मध्य प्रदेश से संबंधित है यह जो बोहरा समुदाय है एक और चीज के लिए फेमस है क्योंकि आप बस जान लीजिए इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत पुराने समय में बट अभी तो लोग जो है काफ़ी आगे आ गए हैं यहाँ पे फीमल जेनिटल म्यूटिलेशन भी होता था फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जैसे इस्लाम में आदमियों का होता है वैसे औरतों का भी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होता था या बोहरा मुस्लिम समुदाय में इनकी जो टोपी होती है नीचे तार लगे होते हैं और तार के ऊपर ये बुनाई की जाती है ओके सत्यम ठीक है। फिर हम बात करेंगे पट्टू वीबिंग की पट्टू वीबिंग जो है हमारे राजस्थान से संबंधित है और देखिए किस तरह से चाहे वो ऊंट से निकाला हुआ ऊंट का जो ऊन होता है या फिर शीप का नॉर्मल जो भी हम कपड़े जो पहनते हैं जो भी स्वेटर पहनते हैं वो भेड़ों से लिया गया ऊन होता है बट राजस्थान की जो पट्टू की बुनाई है उसमें ऊंट के भी ऊन का प्रयोग किया जाता है ठीक है फिर हम देखेंगे पटकू अगर पट्टू कहा तो राजस्थान है कंफ्यूज नहीं करना है और अगर पटकू कहा तो यह एक प्रकार की टाई डाइड टेक्सटाइल फेमस है गुजरात की टाई डाइड फिर यहां पे हम बुनाई की नहीं बात कर रहे हैं यहां पे टाई डाई का कपड़ा होता है उसकी बात कर रहे हैं अर्पित वर्मा यहां पे जहां पे भी आपको उत्तराखंड आएगा आप बीच में बताइएगा ठीक है जो भी चीजें उत्तर प्रदेश में फेमस होंगी स्पेशली इस हिस्से में वो हमारे उत्तराखंड में होगी क्योंकि वो पहले वही का हिस्सा था तो हमने वहां पे अभी बीच में एक जगह पे बनाया था कि सहारनपुर का काफी फेमस है क्या वीविंग, आ, वीविंग की बात नहीं की अभी बीच में आएगा आप देखिएगा फिर हम देखें बोरा क्या बिनाई आपने जान लिया फिर देखेंगे क्रोशेट का, का काम क्रोशेट का, का काम क्या होता है देखेंगे कि कई बार जो है औरतें ना स्वेटर बुनने की जगह पे क्रॉस का भी इस्तेमाल करती हैं ऐसे क्रॉस जो होता है सीधी भी होती है और एक एंड पे ऐसे मुड़ा हुआ होता है उसको क्रॉस कहते हैं तो उस क्रॉसेट से वो काम किया जाता है अब हम बात करेंगे कुछ विशेष हैंडीक्राफ्ट की इनके नाम बिल्कुल आसानी से याद कर लीजिएगा ठीक है दरी है ये कुछ कालीन है और कुछ रग्स है जैसे नवल दरी ये कर्नाटका से संबंधित है पंजा दरी ये हमारे पंजाब और राजस्थान से संबंधित है तो दरी क्या होती है यूजली हम कभी कभी हाँ ये पूरा वीडियो दोबारा से देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा मैं ऑलरेडी इसको आगे आ चुका हूं जो भी चीजें पुराने उत्तर प्रदेश से संबंधित होगी कैमल में वुल मिलता है क्या देखिए सालू शुक्ला कैमल को अगर आप शेव कर दें तो जो भी बाल आएंगे बाल आएंगे ना बाल उसके बाल निकलेंगे हाँ उत्तराखंड में नहीं है बहुत बढ़िया बाकी था एक्चुअली मैं इस बात को नहीं कहना चाहता बट लेट हिम सी वीडियो एंड अंडरस्टैंड वहां की कुछ स्पेशल वैसे साड़ियों में या फिर बुनाई में नहीं है तो हम क्या बोल रहे हैं कि कैमल को जब हम शेव कर देंगे तो शेव करने से जो उसके जो भी उसके बाल निकलेंगे उसके थ्रेड तैयार किए जाएंगे और थ्रेड तैयार करने के बाद से उससे बुनाई की जा सकती है तो अभी हम जो जान रहे थे यहां पे कौन सी पट्टू बुनाई जो राजस्थान की है उसमें इसका इस्तेमाल होता है तो दरी हम क्या करते हैं कभी कभी बिछाते हैं जब ग्रुप में हमको बैठना होता है दरी बिछा के ठीक है वहां पे आराम से खाना वाना खाते हैं तो क्या है नावलगुंड जो दरी है कर्नाटका की है याद रखिएगा पंजा जो दरी है पंजा से याद रखिएगा पंजाब पंजाब जैसा है तो पंजा पंजाब और राजस्थान की है वैसे ही जावा कलाम या फिर भावानी दरी कहते हैं दरी बिछाने वाली तमिलनाडु से संबंधित है कालीन कौन नहीं जानता अगर आप लोगों ने बहुत सारी आ, कालीन को अगर देख रहे होंगे कि इस्लाम में बहुत सारे लोग नमाज वगैरह जब पढ़ते हैं तो क्या है कालीन का इस्तेमाल करते हैं या फिर इस्लामिक देशों में कालीन बिछा के ही उस पर खाना होना खाया जाता है पारंपरिक तरीके से तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशली जो घाटी वाले क्षेत्र हैं वहां पे आप जाते हैं तो वहां पे आपको कालीन देखने को मिलती है फिर हम बात करेंगे वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में खापदान होता है वो इसी प्रकार की एक दरी टाइप की चीज है वो आपको कहां पे जम्मू कश्मीर में मिलती है गुजरात में रग्स होते हैं रग्स कितने किसको बोलते हैं रग्स को हिंदी में हम कहते हैं चिथड़े चिथड़े लेकिन किस चीज के लिए मतलब कहीं जमीन उमीन पे आप जब घर में एंट्री कर रहे होंगे तो वहां पर रग्स रखे होते हैं ठीक है जहां पर आप पांव वाव पोछ के आगे निकलते हैं तो वैसे ही गुजरात की एक नामदा नामदा की फेल्ट वाली फेल्ट हम बोलते हैं कि ऐसा मतलब एक स्पेशल कपड़ा होता है तो वो फेल्ट वाली रग फेमस है और आंध्र प्रदेश की मुसाला की रग फेमस है तो ये सारी चीजें फेमस थी तो ये पूरा का पूरा इंडियन हैंडीक्राफ्ट का एक हिस्सा हो गया दूसरा हिस्सा हम कल पढ़ेंगे और कल भी क्लास 7 पीएम से होगी 7 टू नाइन पीएम और आज भी हमारी क्लास इंडस वैली सिविलाइजेशन पे 10 बजे अन अकेडमी पे है इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ जानना था हमने कल कुछ आज जानेंगे ठीक है और अगर हम बात करें फ्राइडे को एवरीबडी प्लीज बी रेडी छह बजे हमारी क्लास है फ्राइडे को छ बजे क्लास है और पूरा का पूरा मैराथन सेशन होगा और पूरी म्यूजिक हम लोग खत्म कर दिया जाएगा चाहे चार घंटे बैठो साढ़े चार घंटे बैठो हाँ नावलकुंड कर्नाटका से ओके बहुत अच्छा तो अब हम एक चीज और बता देमी और जो जो द हिंदू का ग्रुप है उसका एक हो रहा है और 20 को टू पॉइंट जीरो लोग इसको जरूर अटेंड कीजिएगा यहां पे ऑलरेडी पिन कर दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और रजिस्टर करने के लिए कोड का यूज कर लीजिएगा यूपीएससी सी एस सी का कोड का यूज कीजिएगा बिल्कुल ही फ्री है कौन तारीख लाइक डिसलाइक कौन था लाइक like, डिसलाइक खेलने वाला मेरे साथ ओके okay, सर्जिकल कोई बात नहीं प्लीज बता दीजिए कि लेखपाल और अन्य राज्यों की सरकारी लेखपाल और अन्य राज्य सरकार की नौकरी के लिए है क्या ओके ओपी नॉलेज लेखपाल की भी परीक्षा में आप पाएंगे कि कुछ विशेष जगहों के आर्ट एंड कल्चर के लिए ये आएंगे और अगर अन्य राज्य की दूसरी सरकारी एग्जाम्स जैसे यूपी पीसीएस एमपी पीसीएस की बात करते हैं तो उन जगहों पे भी आर्ट एंड कल्चर आएगा ही इसलिए आप इसको देख सकते हैं ओके okay. ये, ये सेशन कल नहीं होगी कल सेशन बिल्कुल होगा सत्यम कल ये सेशन बिल्कुल होगा इंडियन हैंडीक्राफ्ट पे लेकिन इंडियन म्यूजिक के ऊपर क्योंकि म्यूजिक वाला हिस्सा मैं चाहता हूं कि एक दिन में खत्म हो जाए तो उसके लिए हम मैराथन सेशन करेंगे ठीक है तो आप जो है इसको बिल्कुल देखिएगा फरवरी बीस और इक्कीस को बिल्कुल ही फ्री है देखिए इसमें कौन कौन से लोग होंगे कैलाश सत्यार्थी दीपक गुप्ता जो फॉर्मर चेयरमैन रखे हैं यूपीएससी के उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएनसी एंड आईटी तेलंगाना गवर्नमेंट डिप्टी दुर्गा शक्ति नागपाल डिप्टी सेक्रेटरी हैं अजीत राणाडे ओके आकांक्षा यू आर वेलकम फ्रैंक रुशान परेरा जो सीनियर एंकर हैं पब्लिक ब्रॉडकास्ट के प्रवीण काशवान उसके अलावा कई सारे हमारे एजुकेटर्स हैं मुरनाल पटेल सिद्धार्थ सुदर्शन गुजर प्रतीक नायक देख आप इन सबको देख सकते हैं ये सभी आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं कौन इसको अटेंड कर सकता है जो भी ओके आकांक्षा एक्चुअली uh, मैंने जल्दी खत्म इसलिए कर दिया क्योंकि मैं इसको दो क्लासेस में कवर करना चाहता था तो आज भी और कल भी इसलिए खत्म हो गई आप प्लीज रिकॉर्डेड देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा आप लेट थी तो हम देखेंगे कि जो भी प्रिपेयर करना चाहता है वो इसको जरूर ही देखे दो दिन का समिट है बिल्कुल ही फ्री है अगर आप रियली यूपीएससी सी एस सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें आपको बताया जाएगा टिप्स ट्रिक्स के बारे में जो लोग चूंकि जो यूपीएससी का चेयरमैन ही आपको बता रहा होगा रिटायर्ड तो सारी चीजें आपको बता देगा कई सारे आई एस ऑफिसर आपको अपने एक्सपीरियंस को बताएंगे कि कैसे इन एग्जाम्स को आ, ये ओके okay, ब्यूटी रहा बहुत ही अच्छा फिर हम देखेंगे कि ये जो इवेंट है ये दो दिन तक होगा सत्तर आईकेनिक स्पीकर होंगे टॉक एंड डिस्कशन होगा और वर्कशॉप भी होगा रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही फ्री है और सभी लोग अटेंड कर सकते हैं और जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा सभी लोग इन लोगों से अपनी बातों को पूछ सकते हैं मेघा बाय तो देखिए रजिस्टर करने के लिए आपको बिल्कुल ही अन अकेडमी यहां पर ऑलरेडी मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन में यहां पे इसकी लिंक पड़ी है उसको देखिए और यहां पे जो लिंक है इसको नोट कर लीजिए और आप इसे रजिस्टर कर लीजिए 10 बजे 20 फरवरी को और 21 फरवरी को ही 10 बजे ये स्टार्ट होगा तो जरूर रजिस्टर करें और कोड यूज कीजिए यूएससी यूपीएससी सी सी, एस सी का तो आई होप कि ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यूपीएससी को जो अन अकेडमी का अपना खुद का चैनल है बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और अगर आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लीज आर वाई एस टेन का यूज कीजिए इससे आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, में, में मेरी टेलीग्राम की आई पड़ी है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जो भी पीडीएफ होगा मैं वहां पर बिल्कुल शेयर कर दूंगा ओके हाँ अंकित सर भी हैं आप बिल्कुल उसको देखिएगा तो लेट्स क्रैक UPSC CSC together specially, I guarantee you, history portion. Thanks, Jai Hind.